अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार 7 वर्षों से लगातार खेती को आधुनिक बनाने, किसान साथियों के हितों को सुनिश्चित करने और उनको आत्मनिर्भर भारत का मजबूत भागीदार बनाने के लिए निर्णायक और व्यापक कदम उठा रही है। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। किसानों को समर्पित भारत सरकार ने कृषि के बजट में 512% की वृद्धि की है। जहां वर्ष 2013-14 का कृषि बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए था, वहीं वर्ष 2020-21 का कृषि बजट 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया, जिसके कारण किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिल रहा है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए सरकार ने अधिसूचित सभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना किया है, जिसके तहत वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2020-21 में धान के MSP में 43% से अधिक और गेहूँ में 41% की वृद्धि की गयी है। साथ ही MSP के तहत सरकार ने पिछले 5 सालों में वर्ष 2009-14 की तुलना में धान की 2 गुना, तिलहन की 11 गुना और दलहन की 88 गुना से अधिक मूल्य की खरीद की है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में भी 2 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसके माध्यम से अतिरिक्त 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। सरकार के प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नामक एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना का भी शुभारम्भ किया। इस योजना ने मात्र 1 वर्ष में ही सफलता की कई नई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। सभी भूजोतधारी किसानों को इसमें शामिल किया गया है। पीएम किसान योजना की लोकप्रियता और सफलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की 9वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान के 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान, मिल रही है उनको एक नई पहचान।